नमस्कार, मैं आप सभी का वापस से आम्रपाल के संस्थान के YouTube पेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज आम्रपाली के प्रांगण में सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र से हों। तो इसी श्रेणी में हमारे अगले जो सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं, उनका नाम है शैलेंद्र सिंह दानू जी। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। शैलेंद्र सिंह दानू आज के इस समय में ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो जो आपकी वो सोच थी, वंदे मातरम ग्रुप जो आप लेके आए हैं, जिसके द्वारा आप लोगों की मदद करते हैं, तो ये खूबसूरत सी सोच वंदे मातरम ग्रुप कब आपने बनाने की सोची और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? वैसे तो कॉलेज टाइम पे ही समाज सेवा करने का जज्बा था कि पहले इंडिविजुअली खुद से मदद हो पाती थी। उसके बाद सन 2016 में जब हमने एक केस देखा, हम सुरसेगाड़ी हॉस्पिटल में किसी परिजन को देखने गए थे अपनी, तो वहाँ पे हमने देखा कि यार एक बुढ़ी आमा है, वो अपने बेटे के लिए रो रही है। वो इमरजेंसी में बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इमरजेंसी में पहाड़ों से हल्द्वानी आई हुई थी, जो उनको पहाड़ों से हॉस्पिटल रेफ़र किया हुआ था। तो वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उनके पास ब्लड डोनर नहीं मिल पा रहा था, उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो फिर स्टार्ट हमने उनसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने बताई अपनी समस्या की ब्लड डोनर नहीं मिल पा रहे हैं, दो डोनर की हमें आवश्यकता है यहाँ पे और ब्लड बैंक हमें ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो हमने ब्लड बैंक से बात करी, हमने कहा आप हमारा ले लीजिए और इनको डोनेट ब्लड दे दीजिए। तो उनके लिए तो हमने अवेलेबल करवा दिया, उन्होंने दुआएँ भी दी। लेकिन उसके बाद हमारी ब्लड बैंक स्टाफ से बात हुई कि यार ऐसे इमरजेंसी में केसेस आते हैं तो आप इनको ब्लड क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा सर अगर एक दो आए तो हम भी इनकी मदद कर दें, लेकिन रोज़ाना ऐसे केसेस आते हैं पहाड़ों से, क्योंकि वहाँ पे साफ सुविधा बिल्कुल नहीं है। सब हल्द्वानी में और सुरसेगाड़ी तिवाड़ी सबसे बड़ा एक सेंटर है यहाँ पे कुमाऊँ का, तो सब यहीं पे आते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब से कोई भी ऐसे केसेस आएंगे तो, तब से हमने एक मन में सोचा कि यार ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हल्द्वानी में 3 ब्लड बैंक है और तीनों में हमने अपना नंबर दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है पूरे कुमाऊँ से कहीं से भी आए हॉस्पिटल में यहाँ पे हल्द्वानी के, तो हम उसको ब्लड अवेलेबल करवाएंगे। तो ये सोच आपकी वहाँ से ईजाद हुई वंदे मातरम की, और ये बहुत खूबसूरत सोच है। इसी के साथ मैंने आपको बहुत लोगों की मदद करते हुए भी देखा है। आप पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे कभी अर्थक्वेक आता है, भूस्खलन होता है, सारा मलबा गिर के रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आप लोग खुद उसे क्लीन करते हैं। तो वो जो एक अंदर से खुशी होती है ना दूसरों की मदद करने की, उसे आप कैसे बयां करना चाहेंगे? देखिए दूसरों की जान से बढ़ के तो हमारे लिए भी कुछ नहीं है, बस हमारे जो ग्रुप की सोच थी यही थी कि यार लोगों की मदद करते जाएं और उनकी दुआएं लेते जाएं। तो लगातार पहाड़ों में कोरोना का ये जो सेकंड वेव आई थी, तो उसमें अभी चंपावत जा रहे थे, तो हम खुद हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारी गाड़ी के आगे से पत्थर गिर रहे थे जहाँ पे हाईवे रोड बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमने मन में डर इसलिए हमारे नहीं था क्योंकि यार हमें एक दूसरों की जान बचानी है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते गए और कहीं पर भी ऐसे रास्ते ख़राब हुए कुछ भी मिले हमने, तो हमने कहीं कहीं खुद भी साफ़ किए क्योंकि वहाँ पे टाइम से मैनेजमेंट पहुँच नहीं पाया था, तो हमें खुद भी करना पड़ा। लेकिन क्योंकि दवाइयाँ हॉस्पिटल में पहुँचानी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसीलिए हमें खुद अकेले भी करना पड़ा और इसलिए हमने करके दिखाया। और इस संवाद को समाप्त करते हुए मैं आपसे अंत में सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि आप आम्रपाली संस्थान के जितने विद्यार्थी हैं उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? आम्रपाली ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि उन्होंने आज जो सम्मान समारोह किया उसमें वंदे मातरम ग्रुप को भी यहाँ पे अवार्ड में ऑनर किया। तो साथ ही मैं जो युवा है उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त मतलब पूरे हल्द्वानी में या कुमाऊँ में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो आप भी कोशिश करिए, कुछ नहीं तो आपको अगर मौका ना मिले तो अपने जन्मदिन के अवसर पर भी रक्तदान जरूर करें और किसी की मदद जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे यूथ को इंस्पायर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।